राधे राधे फ्रेंड्स, मैं बीना पाठक मुरादाबाद से आज आप लोगों को अपने कलेनजॉय प्लांट दिखाती हूँ, जो एक प्लांट से मैंने कटिंग करके इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए। देखिए, ये सब मेरे अंदर रखे हुए हैं। मेरे सुबह सिर्फ 2 घंटे की इनको धूप मिलती है, ग्रीन नेट के नीचे मेरे रखे हुए हैं। अब इसमें कलियां आनी शुरू हो रही हैं। अगर ये फुल सनलाइट में रखे होते फ्रेंड्स, तो इनमें अब तक फ्लावरिंग शुरू हो गई होती, लेकिन ये अंदर रखे हुए हैं, सनलाइट कम मिलती है इनको, इसलिए इसमें फ्लावरिंग देर से शुरू होगी। देखिए, ये कलियां आ रही हैं। डार्क रेड कलर के इसमें फूल आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉट में ये मेरे लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना छोटा सा पॉट है और कितना बड़ा प्लांट है ये। इनको बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी में लगाओ, पानी बहुत कम दो। जब बिल्कुल सूख जाए ऊपर की लेयर मिट्टी की, तब इनको पानी दो। बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है ये प्लांट। और अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं भी हो रही है, तो इसकी लीव्स ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर ये शेडी एरिया में रखा है, तो इसकी लीव्स एकदम ग्रीन होती हैं, मोटी मोटी लीव्स ग्रीन कलर की। और अगर इनको सनलाइट मिलती है, तो देखिए इस तरह की रेड हो जाती हैं ये। तो मुझे इसकी ग्रीन लीव्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसको ये अंदर ही रख रखा है। सिर्फ 2 घंटे की धूप मिलती है सुबह सुबह की से, और बहुत अच्छा प्लांट है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये क्रोटन के पॉट में मैंने लगा रखा है, दोनों को ही कम पानी चाहिए। ये मेरा क्रोटन का प्लांट है, इसमें ही नीचे मैंने स्टिक इसकी लगा दी है, तो खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं तो ये खाली सा लगता था पॉट। ये अंदर ही रखा हुआ है शेडी एरिया में, बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है इसकी, फर्टिलाइज़र भी बहुत नहीं चाहिए। अब फ्लावरिंग होगी तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहो, उससे इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और बहुत सुंदर लगेगा। और लीव द्वारा, कटिंग द्वारा, इसकी स्टेम कटिंग द्वारा भी प्रोपोगेट हो जाता है ये, और लीफ द्वारा भी। एक लीफ इसकी तोड़ के लगा दो, ये मोटी सी लीफ है, ये तोड़ के इसे लगा दो तो अच्छे से ये प्रोपोगेट हो जाएगा। एक प्लांट से आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए सब में अब कलियां आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है, मोटी मोटी लीव्स हैं। इसको भी कहते हैं फ्रेंड्स क्रासुला फैमिली को बिलोंग करता है ये। तो इसको घर में लगाइए, बहुत अच्छा होता है ये लगाना। उसके फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं, देसी है। आजकल तो वेरीगेटेड भी आ रहे हैं, डबल पेटल के फूल आते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, घने घने फूल। ये देसी वाला है फ्रेंड्स, और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार इसे लगा दो, आराम से चलता रहेगा। और कटिंग द्वारा बहुत सारे प्लांट इसके बना लो, छोटे छोटे पॉट में बनाकर इंडोर भी रख दो। इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, तो सुंदर इसकी ग्रीन ग्रीन लीव्स बहुत प्यारी लगती हैं। ये सुंदर लग रहा है, बहुत सारे पॉट में लगा, बहुत छोटे छोटे पॉट में। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बहुत ही छोटा सा पॉट है। देखिए ये इस तरह आप लगाइए इसे अपने गार्डन में, जगह दीजिए, ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। छोटे से ही पॉट में अच्छे से हो जाता है ये। बड़े बड़े पॉट जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं, उसमें लगा दीजिए, आराम से ये चलता रहेगा। अब इसमें जब फूल खिलेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें लेट फ्लावरिंग होगी, अंदर रखा हुआ है, और काफ़ी बाद तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। फिर अंदर रखने से फूल भी इसके जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी टाइम तक रहते हैं। ओ
ओके फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।